नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बैनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। सहारनपुर जनपद के ब्लॉक गंगो के अंतर्गत भर भराकर कच्चे मकान के गिरने से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए, जहां ग्रामीणों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला। सभी घायलों को CHC गंगो में भर्ती कराया गया। गाँव शकरपुर सांक रोड निवासी साजिद का परिवार बेहद गुर्बत की जिंदगी व्यतीत कर रहा था। साजिद रविवार दोपहर के समय अपने 4 बच्चों के साथ कमरे के अंदर था। इसी दौरान अचानक कच्चा कमरे की छत भर भराकर उनके ऊपर गिर पड़ी और सभी मलबे में दब गए। मकान के गिरने का शोर सुनकर आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटना की सूचना पुलिस व एम्बुलेंस को दी गई और सूचना मिलने के कुछ देर बाद ही पुलिस मौके पर आ गई। घटना में परिवार के साजिद, उसकी बेटी गुलनाज, ईशा व बेटा शोएब घायल हो गया। घायलों को इलाज के लिए सरकारी चिकित्सालय भर्ती कराया गया। मकान मालिक साजिद की हालत गंभीर बताई जा रही है। घर गिर गया, बच्चे अंदर थे जी, सरकार पे भी कुछ नहीं वो करा जी, बताओ जी। अच्छा, प्रधानों से भी क्या कोई योजना का फार्म भरा? हाँ जी, भरा जी, बच्चे मंदर थे, फार्म भरा, किसी ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधान से कहा, उन्हें भी कोई ध्यान नहीं दिया, किसी ने भी कुछ नहीं वो किया। आवास योजना के फार्म कितनी बार भर चुके जी? कई दफा भरे जी, हमें तो। किसी अधिकारी के पास गए जी? अधिकारी के पास भी गए, उन्हें भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रधान के पास भी गए, उन्हें भी कोई ध्यान नहीं दिया। सिकटरी के पास भी गए, उन्हें भी ध्यान नहीं दिया। मकान में कौन कौन दबे जी? बच्चे दबे मेरे। नाम क्या जी? मैं बाहर बैठी थी जी, और मेरे मियाँ भी थे, मेरे बच्चे थे, लड़कियाँ थी मेरी। मकान गिरने के बाद इनके बड़े बयान ने रुका तारा गली में, और फिर हम अचानक भाग कर देखा तो यहाँ से बच्चे सब दबे हुए थे, एक लड़की, छोटे वाली लड़की, फिर वो उनका पापा भी, सब बुरी तरह दब रहे थे। अच्छा, आप क्या लोग निकालने में लगे थे? 4-5 आदमी थे, फिर तो पूरा मेला अत्तर आया, पता लगता रहा, चल सब आते रहे यहाँ। अच्छा, जो ये दबा है व्यक्ति, ये क्या काम करता है? ये सब्जी बेंच है जी। क्या नाम है इसका? मोहम्मद साजिद। मोहम्मद सर, इसके बच्चों का क्या नाम है? बच्चों का नाम एक का गुन्नाज है जी, एक का ऐसा, एक का गुलाब सा। गंभीर तो दो ही है ये, सही तो ज्यादातर तो दो ऊपर ज्यादा मलबा था इनके, दो तो ऐसे बच्चे ऐसे थे, थोड़ा ही बता था। 10 मिनट लग जाएंगे अभी दिया एम्बुलेंस को, सोच लिया जब इन्हें बाहर निकाल लिए। अच्छा, तो आ जाओ आप। लगभग कितना नुकसान हो गया इनके सामान का? अब देख लो आप। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के नगर विधायक संजय गर्ग के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जहां पर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव की गिरफ्तारी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इसके माध्यम से मांग की गई है कि मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने इस दौरान यूपी की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और सरकार पर जमकर निशाना साधा। नगर विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लखीमपुर खीरी में किसानों की जान बूझ कर हत्या की गई है। लखीमपुर खीरी में हुई घटना से उत्तर प्रदेश में आमजन हो या पार्टियां, सभी में आक्रोश देखा जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया जाए और पूर्व मुख्यमंत्री को जल्द छोड़ा जाए। ये जो तिकुनिया के लखीमपुर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय राज्य गृह मंत्री ने जानबूझकर गाड़ी चढ़ाकर किसानों की हत्या करने का काम किया है, ये बहुत ही निंदनीय, शर्मनाक एवं लोमहर्षक है। इससे पूरे के पूरे समाज में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है। अभी हाल ही में मनीष गुप्ता की पुलिस के द्वारा की गई हत्या, उसके शोले अभी ठंडे नहीं हुए थे कि इससे पहले किसान आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए ये जो लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसकी समाजवादी पार्टी बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करती है और उसी के साथ उनके मृतक किसान परिवारों को सांत्वना देने और इस घटना की जानकारी लेने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जब वहां जाने के लिए तैयार हुए तो उन्हें जिस तरह से हाउस अरेस्ट किया गया, हाउस अरेस्ट करने पर वो लोकतांत्रिक ढंग से शांतिपूर्ण रूप में अपने आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और उन्हें वहाँ से अरेस्ट कर लिया गया। इसके भी ये अपने आप में परिचायक है कि ये सरकार जनता की आवाज़ से घबरा रही है, लोकतंत्र का गला घोटना चाहती है और लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है। आज समाजवादी पार्टी के तमाम हम सब कार्यकर्ता सहारनपुर में धरने पर बैठे हैं इस बात के साथ कि हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक न्याय नहीं होगा। इन सभी लोगों को वहाँ से जाने की, उन मृतक परिवारों की जानकारी दी जाए इससे पहले कि तथ्यों को मिटाया जाए, इससे पहले तमाम जो भी वहाँ जाना चाहता है जानकारी लेने के लिए उसे वहाँ जानकारी देने की बात की जाए। और ये जो लोकतंत्र विरोधी
गला दबाने के साथ संवैधानिक विरोधी और उसके साथ साथ जो लोमहर्षक घटना मुख्यमंत्री की नाक के नीचे उन्हीं के गृह राज्य मंत्री ने करने का काम किया है, इस बात की नैतिकता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा देने का काम करें। हम इस बात के लिए ज्ञापन देने भी यहाँ पर आए थे कि राज्यपाल महोदय उन्हें अगर वो इस्तीफा नहीं देते तो आम जनता के ऊपर से उनका विश्वास उठ गया है और ऐसे में उन्हें बर्खास्त करने का काम किया जाए। तुरंत केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को गिरफ्तार किया जाए और संगीन धाराओं में मुकदमा का दायर किया जाए और उसी के साथ साथ हाई कोर्ट के केंद्रीय जज की निगरानी में त्वरित गति के साथ इस बात की पूरी घटना की जांच हो और जांच होने के साथ हत्यारोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलने का काम हो। जो भी हमारे मृतक किसान परिवार हैं उन्हें 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात की जाए और उनके परिजनों को सरकारी नौकरी में देने का काम किया जाए। और ये तमाम चीज़ों को देखते हुए जिस तरह का रवैया वर्तमान प्रदेश सरकार का है, ऐसे में हम मांग करते हैं अपने गवर्नर महोदया से कि वो तुरंत पहल करें इस बात की। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार में ग्राम प्रधानों की एक बैठक प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पुंडीर के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में फैल रहे डेंगू मलेरिया की बीमारियों से चिकित्सा प्रभारी को अवगत कराया गया तथा कैंप लगाने की मांग की गई। साथ ही विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन प्रभारी बीडीओ को सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड सभागार का है, जहां चरथावल विकासखंड सभागार में ग्राम प्रधानों की एक बैठक का ग्राम प्रधान संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष के नेतृत्व में आयोजन किया गया। बैठक में गांव में फैल रहे डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों की समस्या से चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार को अवगत कराया गया तथा अपील की गई कि गांव में कैंप लगाएं और फॉगिंग कराएं। आज हमारे ग्राम प्रधानों की ग्राम प्रधान संगठन की मासिक बैठक हुई, उसमें डेंगू मलेरिया और स्वास्थ्य के बारे में प्रधानों को जानकारी दी गई। उस विषय की एक मीटिंग हुई, उसमें और प्रधानों की जो समस्याएं थी उसके बारे में ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को वीडियो परिवार के माध्यम से किया गया। सोमवार को जनपद लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की निर्मम हत्या और प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जिला व शहर कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष पंडित सुबोध शर्मा और शहर अध्यक्ष जुनैद रऊफ के नेतृत्व में युवा कांग्रेस कमेटी और महिला कांग्रेस कमेटी के कई पदाधिकारियों ने शामली बस स्टैंड से प्रदर्शन करते हुए ईदगाह चौक पर जाम लगाया, जहां पुलिस अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। 3 अक्टूबर को जनपद लखीमपुर खीरी में कुछ किसान अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि तभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी के अपनी कार से उन्हें कुचल दिया, जिसमें 8 किसानों की मौत हो गई और कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। इस खबर को सुनकर जब कांग्रेस की राष्ट्रीय नेता और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी को पता लगा तो वह मानवता के नाते किसान उत्पीड़न के खिलाफ उनके परिवार वालों से मिलने जा रही थी, तभी उन्हें गिरफ्तार कर नजरबंद कर दिया गया, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर जिला व शहर कांग्रेस कमेटी के कई नेताओं ने मौके पर पहुंचकर मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए उन्हें रिहा करने की मांग की। जानसठ कस्बे की आदर्श श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत चेयरमैन परविंद्र भड़ाना के द्वारा किया गया। सोमवार को कस्बे के आदर्श श्री रामलीला समिति के तत्वावधान में श्री राम बारात का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन नगर पंचायत अध्यक्ष परविंद्र भड़ाना के द्वारा फीता काटकर किया गया, जिसके उपरांत श्री राम बारात कस्बे के मुख्य मार्गों से होती हुई निकाली गई, जिसमें तरह तरह की झांकियां श्रद्धालुओं का मन मोह रही थी। वहीं बैंड बाजों पर राम धुन बजती रही, जिस पर श्रद्धालु नाचते गाते चले। वहीं राम बारात में पुलिस के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे, जिसके चलते इंस्पेक्टर बीएस वर्मा पुलिस टीम के साथ राम बारात में सुरक्षा व्यवस्था को देखते रहे। इस दौरान मुख्य रूप से आदर्श श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष राकेश पाल, विवेक उपाध्याय, शशिकांत राजवंशी, नरेश रस्तोगी आदि मौजूद रहे।
मुजफ्फरनगर के जानसर थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी में घर में सो रही महिला के चोरों ने कुंडल खींचकर महिला को लहूलुहान कर दिया। महिला के शोर मचाने पर चोर महिला के कुंडल लेकर फरार हो गए। रविवार की देर रात लगभग 1 बजे क्षेत्र के गांव गढ़ी में एक परिवार रात के समय घर में सोया हुआ था, तभी रात्रि में दीवार फांदकर अज्ञात चोर घर में घुसाया और वहीं घर में सो रही महिला के चोर ने कानों से कुंडल झटका मारकर खींच दिए। कान में पहने कुंडल में जैसे ही अचानक झटका लगा, अचानक से सो रही महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। महिला के शोर मचाने पर परिजन हड़बड़ा गए तो वहीं देखते ही देखते चोर महिला के कान से कुंडल झटका मारकर फरार हो गया। हालांकि कुछ मोहल्ले वासियों ने चोरों का पीछा किया, लेकिन चोर अंधेरे का फायदा उठाते हुए मकान के पास ईंट के खेत से होते हुए फरार हो गए। इस घटना से गाँव में दहशत का माहौल व्याप्त है। रविवार का अवकाश होने के कारण सोमवार को जानसर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी अभिषेक यादव ने संयुक्त रूप से फरियादियों की शिकायतें गंभीरता के साथ सुनी। इस दौरान मुख्य रूप से जमीन संबंधी पुलिस विभाग, विद्युत विभाग आदि शिकायतें प्राप्त हुई। वहीं तहसील परिसर में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में 21 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से एक शिकायत का मौके पर निस्तारण करा दिया गया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतें सुन रहे जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से लें, एक ही प्रकृति की शिकायतें बार बार न आएं। उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि फरियादियों की शिकायतें समय से निस्तारित हों। मुजफ्फरनगर के कस्बा रोहाना के गांव रोहाना कला में बाबा चंद्रभान रामलीला सभा के मंचन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे चरथावल ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी ने रामलीला का फीता काटकर उद्घाटन किया। कमेटी के सभी पदाधिकारियों सदस्यों ने पहले हवन पूजन कराया, जिसके बाद फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख अक्षय पुंडी डॉक्टर देव कुमार, सुशील कुमार त्यागी बड़कली वाले और कमेटी के सदस्य दिनेश डायरेक्टर, अध्यक्ष नरेश त्यागी, उपाध्यक्ष अनुराग उर्फ गुड्डू, संरक्षक पूर्व प्रधान अरविंद त्यागी, कोषाध्यक्ष आलम त्यागी और सभी ग्रामवासी मौजूद रहे। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर चंद्रभूषण सिंह के निर्देशानुसार सोमवार को जिला पंचायत राज अधिकारी के द्वारा तहसील दिवस जानसठ के बाद ग्राम पंचायत असुरपुर गढ़ी और सिकरेडा का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय एडीओ पंचायत जानसठ, पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान मौजूद रहे, जहां सामुदायिक शौचालय रसूलपुर गढ़ी में बिजली कनेक्शन नहीं होने पर और वाटर सप्लाई की व्यवस्था चालू नहीं मिली। पंचायत सचिव को एक सप्ताह के भीतर कमियों का निराकरण कराते हुए फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसके साथ 15वें वित्त आयोग की धनराशि के तहत स्कूलों के अंदर कायाकल्प हुए कमरों का निरीक्षण किया गया और बच्चों से मध्याह्न भोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। टकमार वाहनों में अधिक कमाई के चक्कर में यात्रियों की जान जोखिम में डालकर यात्रा कराई जा रही है। मीरापुर से कुतुबपुर घटायन महलका तक चलने वाले मुख्य मार्गों में संचालित डगमार वाहन यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सभी मार्गों पर डगमार वाहनों में भूसे की तरह यात्रियों को लाद कर ढोया जा रहा है। डगमार वाहनों के पायदानों के साथ ही ऊपर भी यात्रियों को बैठाया जाता है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, फिर भी जिम्मेदार महकमे के लोग पूरी तरह से अनजान बने हुए हैं। डगमार वाहनों के निर्धारित सवारियों से 3 गुना ज्यादा सवारियां भरकर ढोई जा रही हैं। इतना ही नहीं, अधिक कमाई के चक्कर में यात्रियों को डगमार वाहनों के ऊपर बैठकर और दाएं बाएं लटकाकर भी यात्रा कराई जाती है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस ने बैंकों पर चेकिंग अभियान चलाया। नवनियुक्त कस्बा इंचार्ज विजयपाल सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ बैंक शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता बनाने के उद्देश्य से सोमवार को सघन चेकिंग अभियान चलाया। कस्बा इंचार्ज विजयपाल सिंह ने टीम के साथ बैंकों में आने वाले लोगों से पूछताछ की, साथ ही सीसीटीवी कैमरों और सुरक्षा से जुड़े अन्य उपकरणों की जांच की। कर्मचारियों को निर्देशित किया गया कि बैंक परिसर में आने वालों से कोरोना संक्रमण को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करना सुनिश्चित किया जाए और संदिग्ध पर कड़ी नजर रखने पर भी जोर दिया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा रोहाना में रामलीला मंचन का शुभारंभ किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आईपीएल शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक लोकेश कुमार ने फीता काटकर और पूजा अर्चना कर रामलीला मंचन का शुभारंभ किया। इस दौरान आयोजकों द्वारा मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। रामलीला मंचन के शुभारंभ के अवसर पर गणेश पूजन कर हवन पूजन किया गया, जिसके बाद प्रधान प्रबंधक लोकेश कुमार ने रामलीला मंचन का शुभारंभ किया और सभी लोगों को रामलीला मंचन की शुभकामनाएं दी।
के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।